और खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2020 और 21 के लिए 923 अरब रुपए का बजट पेश। सूबे में कोरोना के लिए 24 अरब रुपए का फंड कायम। तालीम के लिए 30 अरब, सेहत के लिए 124 अरब रुपए मुख्तस, तरक्याती बजट के लिए 317 अरब रुपए रखे गए। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। केपी के काबीना के अजलास में सूबाई बजट मंजूरी के बाद वजीर खजाना तैमूर झगड़ा ने असम्बली में बजट पेश करते हुए कहा कि ज़राअत के लिए 14 अरब, तवानाई के लिए 11 अरब और 43 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सबसे अवलीन तरजीह सेहत का निजाम, और इसके लिए तारीखी बजट मुख्तस किया गया है 24 अरब रुपए का कोरोना इमरजेंसी फंड, ताकि हेल्थ और इमरजेंसी रिस्पांस के सारे अखराजात, सोशल सेफ्टी नेट यानी एहसास प्रोग्राम और इकोनॉमिक स्टिम्यूलस के लिए हमारे पास एक खातिर खा रकम हो जो हम साल के दौरान इस्तेमाल कर सकें। मुश्किल तरीन हालात के बावजूद हमने तरक्याती बजट का हजम बरकरार रखा है, क्योंकि इसी से मईशत का पहिया चलता है। और टैक्स फ्री बजट से मेरा मतलब ना ही कोई नया टैक्स, ना ही टैक्स रेट्स में कोई इजाफा, और बहुत से शोबों में टैक्स रिलीफ का इस सूबे की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज। कुल जो बजटेड अखराजात हैं सेटल्ड अजला के लिए 739.1 अरब रुपए और जमशुदा अजला के लिए 183.9 अरब रुपए, यानी कि टोटल 923 अरब रुपए का एक्सपेंडिचर इस बजट में होगा।